वगैरह क्या करती हैं आप बताइएगा कुछ। छोटी सी एक पीआर कंपनी रन करती हूँ और उसके अंदर इवेंट्स आते हैं, शूट्स आते हैं, सो टाइम की कोई वो नहीं होता, टाइम बाउंड नहीं होता कि आई हैव टू पैक अप एट 5 o'clock इन द इवनिंग और आई हैव टू पैक अप एट 9 o'clock, सो टिल दैट वर्क गोज ऑन वी हैव टू बी देयर। टू माय क्वेश्चन कि एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि आप, मैंने अभी कहा ना कि माँ से ज़्यादा बच्चों से सिंसियर कोई नहीं होता, दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आपने एक्सपीरियंस किया है कि लोग वर्किंग वुमन को अक्सर इस तरह से देखते हैं कि पीछे जो है इसको होश नहीं है फैमिली का? मैं क्योंकि आई हैव बीन रेज्ड बाय अ वर्किंग वुमन आल्सो, सो अगर मैं वो देखूं तो जो मेरी मदर है शी इज़ माय रोल मॉडल इन दैट, उनकी वर्क के अलावा कोई दूसरी लाइफ नहीं थी, जस्ट द जॉब एंड हर किड्स वाज हर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम ऑफिस के बाद शी यूज़ टू कम बैक स्ट्रेट होम, हमें पढ़ाना, टाइम देना, खाना खुद बना के खिलाना, सो आई डोंट थिंक कि बच्चे दुनिया जो मर्जी कहती रहे, एंड नाउ होल फैमिली जो है वो उनको बहुत रिकग्निशन देती है इस चीज़ की कि उन्होंने बड़ा बच्चों पे एफर्ट किया है, एंड जो भी हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं थोड़ा बहुत जो भी हमने अचीव किया है उसी एफर्ट का नतीजा। ऑफकोर्स फादर बहुत लविंग थे, सब कुछ थे, बट फादर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे अपने काम की वजह से, सो आई डोंट थिंक सो कि किसी के कहने से कुछ भी फ़र्क पड़ता है, इट्स ऑल इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मदर कि कौन सी माँ किस तरह से। बहुत सारी माएँ हैं घर बैठ के भी मुलाजमों पे बच्चों को छोड़ा। बिल्कुल सही बात है, आप जो दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा रही हैं तो आपको अपने बच्चों को समझाने सिखाने में थोड़ी आसानी हुई इसकी वजह से? एब्सोल्युटली माविश, आई वुड लाइक टू कंसिडर दिस, और गोइंग बैक टू हिरा, आई एम ऑल्सो रेज्ड बाई वर्किंग मदर। अच्छा, तो आई हैव सीन यू नो वर्किंग मदर्स के जो बच्चे होते हैं ना दे बिकम इंडिपेंडेंट वेरी सून, ठीक है, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। एट टाइम्स ऐसा होता है कि वेन यू आर आउट समवेयर या कुछ जो भी है, दे नो मामा इतने बजे आएंगी या जो भी है, दे हैव टू डू देयर वर्क, ठीक है ना, तो वो डिपेंडेंट भी नहीं होते और बहुत जल्दी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। एंड कमिंग बैक टू माई मदर, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ अस, शी हैज़ नर्चर्ड अस, मतलब कभी भी मैंने उनके मुँह से ये नहीं सुना कि आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। वर्किंग वुमन का स्टैमिना भी तो बड़ा बड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल, एंड शी इज रियली स्ट्रॉन्ग। स्टैमिना ये होता है कि इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो यू आर गोइंग टू, मतलब आपने वर्क प्लेस पर जा रहे हो और कमिंग बैक आपको पता है यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली ऑल्सो, सब कुछ होता है, लेकिन देर आर मैनी सेक्रीफाइसेज, देर आर मैनी चैलेंजेस ऑल्सो। लेकिन हम अगर जैसे बोलते हैं ना लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें, वी हैव टू इग्नोर देम। अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम अपने वर्क प्लेस पे भी वी आर नॉट गिविंग 100%, अपना वही सारे प्रॉब्लम्स लेके वर्क प्लेस पे लेके जाएंगे। एंड माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट, यू हैव टू बी स्माइलिंग व्हेन यू आर गोइंग आउट। दुनिया को नहीं बताना योर वीकनेसेस, योर चैलेंजेस आर योर चैलेंजेस, एग्जैक्टली, यू हैव टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज आपको जो वर्ल्ड है वो उस तरीके से नहीं देखती है, और अगर आप अपनी वीकनेस शो करते हैं तो दैट मीन्स देन यू आर टेलिंग देंगे कि भाई आओ, बिल्कुल बिल्कुल आइए आप जो है ना जी, आप भी हमें दो जूते मार लें। Exactly, that's the main thing. You have to, you don't have to show the world what's happening. सही बात है, your challenges are your challenges. बिल्कुल. Make the challenges and your weaknesses your strength. बिल्कुल. Exactly. Own them actually. Very true. And that makes you very strong from inside. You know that? हाँ, बिल्कुल सही बात है. आप strong भी उस वक्त होते हैं जब आप उन चैलेंजेस को अपनी हद तक रखें। वंस यू स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, नो वी डोंट वांट दैट बिचारी वाला स्टिग्मा अटैच्ड टू अस, नो वन इज बिचारा, एंड योर चिल्ड्रन आल्सो डोंट वांट दैट। एट टाइम कम्स वो भी चाहते हैं कि भाई मम्मा जो है हर चीज में जो है दे, अब के जो बच्चों का जो माइंडसेट आई एम सीइंग दैट इन माय चिल्ड्रन इज दैट कि भाई दे वांट देयर मम्मा टू बी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उनको नहीं चाहिए कि अम्मा घर पे ही बैठ के सब चीजें कर रही हैं। They realize that, or they see how you dress exactly. up. They see how they you encourage you. Talk.